वेलकम टू कार्व एकेडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.1 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आप पीछे के सारे क्लास देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। एक तरीका वो जो आपके एग्जाम में बनाना होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, और एक तरीका शॉर्ट लास्ट में बताएंगे। ठीक है, पहले जिस तरह से आपके एग्जाम में बनाना होगा वैसे पढ़ाता हूँ। हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का वर्ग बताना है। पहला प्रश्न है कि 32 का वर्ग बताइए। ठीक है, ये 32 का वर्ग बताना है। ठीक है, तो 32 का वर्ग बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ऐसे 32 का स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि इसका वर्ग बताना है, यानी 32 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब पावर में 2। ठीक है, तो देखो 32 जो है ना, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 2 लिख सकता हूँ। 32 को 30 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा। मैंने लिख दिया, इसका पावर में क्या है, 2, तो 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ए है और ये बी है, तो इस फार्मूला पर ए और बी का मान रख देंगे। रखिए, तो पहले ए का स्क्वायर होता है, ए का मान क्या है, 30, तो 30 का स्क्वायर कर दिए, प्लस ये 2, ए का मान 30 तो 30, बी का मान 2 तो 2, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 30 का जब स्क्वायर करोगे तो 900 होगा। क्या होगा, 900। इतना फास्ट मैंने कैसे किया भाई, देखो जब भी हमारा ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का स्क्वायर करना होता है तो सिर्फ 3 का पहाड़ा पढ़ लो 2 बार, तीसरी का 9, और 0 के पावर 2 है ना तो 00 लगा दो, हो गया, डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। अब चलो 2 या 30 ले करेंगे 60, 60 सौ एक से करेंगे, 2 से करेंगे तो 120, प्लस 2 × 4। अब इसको जोड़ो तो 900 और 120 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 900 और 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1024, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। अब आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जिसका स्क्वायर निकालना होगा ना पावर में 2 लिख लेंगे, और इसका मतलब हुआ कि 32 पावर में 2 है ना, 32 कितने बार, 2 बार, 32 कितने बार, 2 बार। अब 32 को 32 रफ में जा करके गुना कर दो, 2 × 4, 2 × 3, 6, 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, ये 4, 6 × 6, 12, 9 × 1, 10, देखो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस तरीका से बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसे आपको बनाना होगा एग्जाम में। ठीक है, समझ गए। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, 35 है। अब 35 का वर्ग बताना है तो 35 का पहले हम लिखेंगे, 35 का वर्ग यानी स्क्वायर। अब देखो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 अब प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं लिख सकता हूँ ना, 30 अब प्लस 5 35। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से एक फार्मूला लगाएंगे, तो इस फार्मूला को हमेशा लिखते चलना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ताकि आप लोग को याद हो जाए, याद ना हो तो जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब भी आप ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो इस फार्मूला को ऊपर में लिख दिया करो। ठीक है, ए का मान है 30, बी का मान है 5, रखो ए स्क्वायर, ए का मान 30 का स्क्वायर प्लस 2a का मान 30, बी का मान 5, अब प्लस बी का मान 5, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 3 × 60, 60 × 5, 300 प्लस 5 का स्क्वायर 25,
यहाँ से देखो ये हो जाएगा 9 3 1212 और 25 जोड़ेंगे 1225 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। इसका तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 86 है, 86 का स्क्वायर निकालना है। ये भी बहुत आसान है, जस्ट वैसा ही बनेगा। यहाँ से क्या करेंगे, 86 का स्क्वायर, 86 को मैं लिख सकता हूँ 80 + 6, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पहले फार्मूला लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ से करेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 80 और बी का मान 6 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ए और बी का मान रख दिया। अब देखो 80 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 100 प्लस 8 2 16 और 6 से करेंगे, देखो 80 और 2 से कर दिए तो 160 हो गया। 160 को 6 से करेंगे गुना कितना हो जाएगा, 160 को 6 से करेंगे 0 6 4 36 6 हासिल 3 6 3 9 960 हो जाएगा। अब प्लस 6 4 36, यहाँ से सबको जोड़ते हैं 6400 और ये 900, ये 6300 हो गया। 6300 और ये कितना, 6300 बोल रहे 7300 हो जाएगा, 6400 7300 60 38 90 96, यानी 7300 96 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसको जोड़ घटाओ अच्छे से कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरा हो गया चौथा, चार नंबर अपने किताब में देखिए क्या है, 93 है, क्या है 93। देखिए ये भी वैसा ही बनेगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 93 का हमें स्क्वायर बताना है, तो हम 93 को 90 + 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने लिख दिया। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, इसको ए इसको बी, तो यहाँ से हम फार्मूला दे दिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab + b². ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ए कितना है 90, 90 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 90, बी का मान 3, अब प्लस बी स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 99 8100 हो जाएगा, प्लस 90 को 2 से करेंगे 180, ठीक है 180, 180 को 3 से करेंगे तो 180 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 180 540 हो जाएगा 540। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ो 8100 और 500, 8600 और 40 और 9, यानी हो जाएगा 8649 हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चार नंबर कंप्लीट, अब पांच नंबर देखिए, पांच नंबर है 71, क्या है 71। अब 71 को बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 71 का स्क्वायर कर दिए, 71 का भी स्क्वायर कर दिए तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab + b², क्योंकि ये फार्मूला हमें यूज होने वाला है। और मैं 70 को क्या लिख सकता हूँ, 71 को 70 + 1 लिख सकता हूँ, यहाँ से a का मान 70, 70 का क्या कर देंगे स्क्वायर, अब तो आपको बनाने आ गया होगा, प्लस 2, a का मान 70, b का मान 1, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 70 का स्क्वायर 4900, 70 × 140 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4900 और 100 5000,
5,000 और 40 और 41, 5,041 हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए, 5 नंबर कंप्लीट। अब 6 है और पहला प्रश्न का है, लास्ट प्रश्न है। 6 नंबर क्या है? 46 है। अब इस प्रश्न को मैं यदि आपको दे दूं तो आप भी बना सकते हो, तो ट्राई करो कि आप मेरे से भी पहले बना दो। चलो, तो पहले कौन बनाता है? मैं आपको जिताना चाहता हूँ, देखता हूँ आप लोग जीत पा रहे हो नहीं पा रहे हो। 46 है ना, मैं देखता हूँ कि आप लोग जीत पा रहे हो नहीं पा रहे हो। चलो बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ। 46 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे भाई, 46 को मैं ले सकता हूँ 40 + 6 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मैं इस फार्मूला को दे सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए का मान है 40, 40 का स्क्वायर प्लस 2a का मान 40, बी का मान 6 प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा? ये हो जाएगा 1600। 40 × 2 = 80, 80 और 6 से करेंगे ये हो जाएगा 480 प्लस 36। जब इसको जोड़ेंगे 1600 + 4 = 20, 80 और 36 हो जाएगा 116, यानी 2116 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 2116 हमारा आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। देखिए, पाइथागोरस त्रिक, त्रिक मतलब 3, इसमें आपको संख्या होता है 3 सदस्य और एक सदस्य पहले से दिया है, तो आपको 2 सदस्य बताना है। तो पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना होगा, बहुत ही आसान है। देखिए, पहला का पहला प्रश्न बनाते हैं, ये है 6, इसका अभी 2 सदस्य बताना है, पहले से एक सदस्य दिया गया है। तो इसका सूत्र होता है पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, एक होता है 2m और एक होता है m² - 1 और m² + 1। ठीक है, ये 3 संख्या होता है। अब 3 संख्या होता है तो हम क्या करेंगे, 2m = 6, 2m = 6। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे, तो क्या होगा भाई, इस 2m में देखो आपको पाइथागोरस त्रिक निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखना होगा, और जो पहला होता है ना उसके बराबर कर देंगे इस सदस्य का, तो 2m = 6 हो गया। यहाँ से देखो, अब 2 जो है ना ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग करेगा, तो 6/2 हो गया, कट कर यहाँ से 3 आ गया, यानी हमारा m का जो मान आया वो आ गया 3। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा देखो दूसरा संख्या ये है, तीसरा संख्या ये है, लिखेंगे दूसरी संख्या, क्योंकि पहली सदस्य दिया है तो दूसरी ये तीसरी, दूसरी संख्या बहुत आसान है। दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या है भाई, m² - 1 बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से तितली का 9, 9 में से 1 गया, ये आ जाएगा हमारा 8, दूसरा कितना आ गया 8। ठीक है, अब तीसरी संख्या, तीसरी संख्या m² + 1 है, तो यहाँ से m का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1, 9 और 1 = 10 हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, दूसरा 14 है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक के 3 संख्या लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं, 3 संख्याएं कौन कौन है, 2m है,
एम स्क्वायर माइनस वन है और एम स्क्वायर प्लस एक है, ठीक है। यहाँ से 2m बराबर ये 14, m बराबर 14 बटा 2, ये हो जाएगा 7, यानी हमारा m का मान हो गया 7, ठीक है। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या एम स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से हो जाएगा m का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से 3 का 9 नहीं 7 है ना मेरे भाई, 7 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 49 माइनस एक बराबर 48, दूसरी संख्या 48। अब तीसरी संख्या निकालेंगे, तीसरी संख्या क्या है एम स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस एक, तो 7 है 49 प्लस एक कितना हो जाएगा 50, एक 48 एक 50, ठीक है। और एक पहले से यहाँ पर दिया गया है, समझ गए, इस तरह से आपको बना लेना है। अब चलिए इसका अगला तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है क्या है 16 है, इसको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्याएं 2m, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले करेंगे 2m इक्वल टू 16, m इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई टू, यानी कट गया 8, हमारा आ गया m बराबर 8, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होता है भाई एम स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ से m का मान देंगे 8, 8 का स्क्वायर माइनस एक, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक, यानी हो जाएगा 63। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन, एम का मान 8, 8 का स्क्वायर प्लस वन, यानी हो जाएगा 64 प्लस एक, ये हो जाएगा 65, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, चलिए अब चार नंबर देखते हैं 18। तो पाइथागोरस त्रिक के तीन संख्या लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिक की पाइथागोरस त्रिक की तीन संख्या 2m, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, तो 2m इक्वल टू सबसे पहले 18 के बराबर कर देंगे, तो m बराबर 18 बटा 2, ये कट करके 9 हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा m बराबर 9। दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या एम स्क्वायर माइनस वन, एम का मान 9, 9 का स्क्वायर माइनस एक 81 में से एक गया, ये आ जाएगा 80, ठीक है। अब चलिए तीसरी संख्या निकालेंगे, तीसरी संख्या ये होता है एम स्क्वायर प्लस वन, एम का मान 9 का स्क्वायर प्लस वन 81 प्लस एक, ये हो जाएगा 82, यानी तीन संख्या हमारा निकल गया। थोड़ा सर्दी हो गया है, ठीक है ना, सर्दी जुकाम, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग का मैंने आज डिस्टर्ब किया, बीच बीच में मैंने खास दिया,
तो इसके लिए माफ़ करिएगा, बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। आज का प्रश्नावली 5.2 ख़त्म होता है। छोटा क्लास था, पढ़ाने का तो मन नहीं था आज, लेकिन फिर भी मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।